नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम आपको वो बयान सुनवाने जा रहे हैं जिस बयान से आरजेडी के अंदर खाने गर्माहट बढ़ गई है। दिल्ली में हमारी सहयोगी नेहा ने रघुवंश प्रसाद सिंह से बातचीत की है। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के वो नाम हैं जिन्होंने इन दिनों आरजेडी के अंदर खाने अपने बयानों से गर्माहट बढ़ा रखी है। सीधा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनकी पहचान ही यही है कि वे सीधा और सपाट बोलते हैं। तो सीधे लहजों में, सपाट लहजों में उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी को नीतीश कुमार से भी परहेज नहीं होना चाहिए, राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती। और ये बयान उनका तब सामने आया है जब उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी महागठबंधन में। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का यह बयान आज सामने आया। हमने थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि किस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह कहा है कि राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती और तेजस्वी जो कह रहे हैं वो एक नॉन पॉलिटिकल बयान है, गैर राजनीतिक बयान है। रघुवंश प्रसाद सिंह से दिल्ली में हमारी सहयोगी नेहा ने बातचीत की। सुनिए रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ एक बार फिर से रघुवंश प्रसाद जुड़ गए, राजद के वरिष्ठ नेता। सर, क्या आपके ही बयान पे आपके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं? सब लोग अपनी अपनी बात रखते, अपनी अपनी राय जान करते, पार्टी का निर्णय होगा तब ना लोग फैसला करेगा। एक जब तक फैसला नहीं है तब तक सब लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक राय अपनी बात करते हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हो, वो भी बड़े नेता जिन्होंने आपके बयान को मतलब बड़े नेता है तो बड़े नेता के हम क्या काट करने जाए। बड़े नेता जो बोलते हैं वही ठीक है, हमारे हम लोग आपको बोलते हैं। तो आप फिर भी अपने जगह पे हैं कि गैर भाजपाई सभी एकजुट हो आप लोग को, क्या हम तेरे जाए कभी अन्य कभी उन्ने रहेंगे, क्या कर जाएंगे। लेकिन हम लोग तो लड़ने वाला है, भाजपा को पछाड़ना है, इसलिए देश भर के लोग को ये तो साफ तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह ये कहते हुए कि सबसे बातचीत होनी चाहिए और उन्होंने जो कहा हमने आपको सुनवा दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह ही नहीं, आरजेडी में वैसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जो ये राय रखते हैं कि महागठबंधन को मजबूती देनी है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कड़ा टक्कर देना है एनडीए को, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन के पाले में लाया जाना चाहिए, उनसे बातचीत की पहल शुरू होनी चाहिए। खुलकर रघुवंश प्रसाद सिंह ये कह चुके हैं। शिवानंद तिवारी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, वे खुलकर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार एकमात्र वो चेहरा हैं, एकमात्र वो कद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले टिकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाया जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में तेवर बदले हैं और लगातार नीतीश कुमार को नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं। हालांकि इन सवालों पर जेडीयू साफ करती रही है कि भाई हम कब जा रहे हैं, हमारे जाने और नहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम जा ही नहीं रहे तो ऑफर देने का और नहीं देने का कहाँ से सवाल होता है। लेकिन आरजेडी दो फार नजर आ रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह का भी बयान हमने आपको सुनवा दिया। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है, सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी की यही है कि कैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ महागठबंधन को एकजुट रखा जाए बल्कि पार्टी के जो बड़े नेता तेजस्वी यादव के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते उस टकराव को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आरजेडी में टकराव है नीतीश कुमार को लेकर। यह बात अब कम से कम खुलकर सामने आ चुकी है। सबसे कारगर रणनीति ये मानते हैं आरजेडी के बड़े नेता कि नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले में आए, जबकि तेजस्वी यादव इस रणनीति और इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। वे खुलकर ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आरजेडी के टकराव से जुड़ी हुई ये खबर, रघुवंश प्रसाद सिंह का वो बयान जो ये पुख्ता संकेत दे रहा है, उन कयासों को पुख्ता कर रहा है कि आरजेडी में कलह मची है और इस कलह की वजह है नीतीश कुमार। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक कर लें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।